यात्रियों को मिलेगा एक नई लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन जो कि केरल के लिए चलेगी। केरला के लिए इस ट्रेन का संचालन कब से शुरू होगा और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेटेस्ट वीडियो अपडेट। दरअसल बिहार के यात्रियों के लिए एक नई ट्रेन का सौगात मिल चुका है। उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। ऐसे में यह ट्रेन बिहार के बरौनी रेलवे स्टेशन से चलेगी। आगामी 7 मई से इस ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। केरला के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी जहां पर कि केरला के कोचुवेली रेलवे स्टेशन तक यह ट्रेन बिहार के बरौनी से चलेगी। ट्रेन नंबर के डिटेल्स की बात करें तो ट्रेन नंबर 06092 के साथ बरौनी से यह ट्रेन 7 मई से लेकर 2 जुलाई तक चलाई जाएगी, जहां पर कि सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को यह ट्रेन मध्य रात्रि 11:30 पर बरौनी से खुलेगी और शुक्रवार को यह ट्रेन 1:30 पर कोचुवेली पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में खास बात यह होगी कि स्लीपर श्रेणी के 9 कोच के साथ साथ साधारण श्रेणी के 11 कोच का सुविधा मिलेगा। पूरी तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी वाली इस स्पेशल ट्रेन में इस ट्रेन का संचालन दोनों ही दिशाओं में यात्रियों के लिए रेलवे करवा रही है। दूसरे दिशा में यह ट्रेन कोचुवेली से ट्रेन नंबर 06091 के साथ बरौनी के लिए चलेगी, जहां पर कि सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को यह ट्रेन 8 बजे कोचुवेली से प्रस्थान करेगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन सोमवार को बरौनी रेलवे स्टेशन 2:30 पर पहुंच जाएगी दोपहर में। ऐसे में यह ट्रेन करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 4 दिन का इस ट्रेन का रहेगा यात्रा। बरौनी से खुलने के बाद यह ट्रेन किउल, झाझा, जेसीडी, मधुपुर, चितरंजन, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, रांची, हटिया, राउरकेला, झारसुगड़ा, संबलपुर, टिटलागढ़ के रास्ते यह ट्रेन चलेगी, जहां पर कि विजयनगरम, राजामुंड्री, विजयवाड़ा, नेल्लौर, गुडूर, काठपाड़ी के साथ साथ कोयम्बटूर, ईरोड, एर्नाकुलम जैसे तमाम रेलवे स्टेशनों पर भी इसका स्टॉपेज रहेगा। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।